अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे, हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आज हमारा दूसरा दिन है मुंबई में, काफ़ी सारे वीडियो हम लोग बना चुके हैं और आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे बगदादी, जो कि बहुत ही पुरानी बॉम्बे की रेस्टोरेंट है, कोलाबा में लोकेटेड है। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, दो तीन चीज़ें और ये रखते हैं, और सबसे पुरानी जो बॉम्बे की जो रेस्टोरेंट है वो बगदादी है। चलिए सीधा बगदादी चलते हैं और वहाँ पे चल के वहाँ के उनका खाना ट्राई करते हैं। इनकी लोकेशन कोलाबा में है। चलिए कोलाबा चल, अभी हम लोग कोलाबा ही जा रहे हैं और फिर ये देखिए हम लोग बस कोलाबा जा ही रहे हैं। देखिए बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, सारी ब्रिटिशर्स की टाइम की बनी हुई है और उसी शेप में बना हुआ। देखिए कौन सा एरिया भाई साहब? फाउंटेन फोर्ट। फाउंटेन फोर्ट है ये। अच्छा, फाउंटेन फोर्ट हम लोग आ गए, कल भी हम लोग यहाँ आए थे, आज भी हम लोग यहाँ हैं। यहाँ पे एक और वीडियो हमें बनाना है, अंकल हमारे भूल गए, लेकिन आज फिलहाल कोलाबा पे जाके हम लोग बनाएंगे बगदादी का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह और वीडियो बनाएंगे। ये देखिए बस हम लोग अब कोलाबा पहुँच गए हैं। पहुँच गए ना भैया? ताज भी यहाँ से देख ली आपको, नई वाली बिल्डिंग जो इनकी है, और बस ऐसे टर्न करेंगे, ताज के पीछे ही है बगदादी और वहाँ पर जाके हम लोग खाना ट्राई करेंगे। ताज के पीछे का इलाका है, हम लोग यहाँ पे भी कितनी बार आ चुके हैं लेकिन बगदादी में हमारा आना नहीं हुआ। देखिए बड़े मियाँ की भी शॉप ने लास्ट टाइम बड़े मियाँ हमने कवर कर लिया था। देखिए ये पूरे बड़े बड़े मियाँ का शॉप, अपन बगदादी भी जाएंगे इस बार। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ का चिकन मसाला फ्राई काफी फेमस है और इनकी बड़ी रोटी भी है माशाल्लाह, तो वो सब भी ट्राई करेंगे हम लोग जोधपुर से। यहाँ पे अभी हमको ये दूसरा दिन है हमारा यहाँ पे, चलिए अंदर चलते हैं। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट भी कर सके, नंबर भी होंगे उसमें, अगर फिर भी नहीं मिले तो कॉल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात एम्बियंस की नहीं है, बात सब खाने की है। तो बस आपको यहाँ पे आए तो आप सबसे अच्छी बात यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, एम्बियंस कौन देखते, जब खाने की बात आती है तो एम्बियंस कौन देखते। देखिए इनका यहाँ पे मेन्यू भी इनका पूरा लगा हुआ है, एकदम पुरानी सबसे पुरानी शॉप है ये। क्या यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट भी है और यहाँ पे इनका पूरा मेन्यू आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका मेन्यू है। हम लोग चिकन मसाला फ्राई ट्राई करेंगे, ये रहते चिकन मसाला फ्राई ये हम ट्राई करेंगे और पूछेंगे इनसे और क्या 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 मिलता है, और इनकी रोटी भी ट्राई करनी मुझे। हाँ रोटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ी रोटी है। चलिए यहाँ बैठते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है वैसे तो, हम लोग यहाँ पे चिकन मसाला फ्राई करेंगे और साथ में इनकी रोटी भी ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आपको पूरा मेन्यू बता देते हैं। इन्होंने अभी चिकन बोटी मसाला भी इन्होंने नया स्टार्ट किया, इन्होंने हमें बोला भी था कि आप वो भी ट्राई करें, लेकिन फिलहाल जो इनका जो सबसे पुराना डिश वही है चिकन मसाला फ्राई, वो ट्राई करेंगे। पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं उसके बाद फिर हम लोग बात। ये बॉम्बे की सबसे पुरानी रेस्टोरेंट में से एक है, देखिए पूरा इनका मेन्यू है, आपको पूरा दिखा देते हैं और ताकि आपको पता रहे कि आपको यहाँ पर आके क्या चीज़ मिल सकती है। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। एकदम सिंपल सा मेन्यू है, सिंपल सी रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। ये देखिए ये पूरा इनका सूप ही इनके पास है, सूप ट्राई करना, सूप भी ट्राई करेंगे। देखिए इनका कस्टर्ड भी इनका मैं सुना काफ़ी कैरमल कस्टर्ड भी ये काफ़ी ज़बरदस्त बनाते हैं, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं हम। ये देखिए पूरा मेन्यू आपको हमने दिखा दिया, चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक पीस में साइज देखें आप ब्लैक पीस की, और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। रोटी भी हमने मंगाई है, भैया रोटी तो लेके आ गए थे लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतना ज़बरदस्त ये लग रहा है तो उसके साथ में हम लोग बटर रोटी ट्राई करेंगे, और रोटी की साइज़ हमने देखी थी अभी, देखो ये लेके आए थे तब हम इंशाल्लाह बात। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ग्रेवी है और साथ में लेग पीस देखें आप कितना ज़बरदस्त है, ये देखिए क्या बात है। सबसे पुरानी बॉम्बे की रेस्टोरेंट में से एक ही रेस्टोरेंट, भाई साहब बटर रोटी लेके आए हैं, रोटी की साइज देखें आप माशाल्लाह ज़बरदस्त, इतनी बड़ी रोटी तो मैंने अभी तक तो कहीं नहीं खाई है देखिए बॉम्बे में तो। चलो स्टार्ट करते हैं, तुम फोटो खींचो ना, ये देखिए आप बटर देखिए
बटर देखिए, बटर बॉम्बे में बटर और चीज का मामला बहुत जबरदस्त है। अरे यार काफी जबरदस्त है, पीछे थोड़ा बहुत अपने को मिठासपन आता है, वो इनकी खासियत है। और ग्रेवी बहुत ही जबरदस्त है, चिकन भी काफी सॉफ्ट है। रोटी देखिए आप, क्रिस्पी है और खाने में इतना मजा आ रहा है, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा मुझे रोटी के साथ में इसका। इतने साल से सबसे पुरानी रेस्टोरेंट, लेकिन आज भी उनकी क्वालिटी वही सेम इन्होंने रखी है, तभी तो माशाल्लाह इतना नाम इनका बॉम्बे में। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। चला यहाँ के जो वेटर है, आपका क्या नाम है? बबल कुमार जी 97 से यहाँ पे हैं। इनके हाथ से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी खाना खा चुकी है, जॉन अब्राहम इनके साथ हाथ से खाना खा चुके हैं। तो आपको यहाँ कितने साल हो गए? 97 साल यहाँ पे हैं। और ये 41 ईयर्स हो गए आप। और यहाँ रेस्टोरेंट कितनी पुरानी है? 100 ईयर्स या उससे भी ऊपर है। 100 साल तो कह रहे हैं लग, जबकि उससे ऊपर ही होगा। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी ये खुद है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी पर्सनैलिटी लोगों को खाना खिलाया। जॉन अब्राहम के साथ और किस किस को आपने खाना खिलाया? मनीषा कुरैला को खाना खिलाया। अली असगर को खाना खिलाया हुआ। तो अब आपने शराब अली को भी खिला दिया। मज़ा आ रहा है। ठीक है सर, ओके। चला फ्राई तो हम लोगों ने खा लिया है, अब इसके बाद में यहाँ कैरमल कस्टर्ड भी काफ़ी फेमस है, देखिए आप इसको। और यार जोरदार, वाकई में ज़बरदस्त। हमारे यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़बरदस्त था माशाल्लाह। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमारा वीडियो भी ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।